मैं अफगानिस्तान की बहनों और माओ को ये कहना चाहती हूँ कि आप कभी भी खुद को अकेला ना समझें। आपके साथ पूरी दुनिया की औरतें हैं। पहली बात, जो लड़कियों के निकाह के बारे में जो उन्होंने कहा है जबरदस्ती, तो ये तो हमारे इस्लाम में है नहीं ऐसा जबरदस्ती। ये हमारे कुरान में भी नहीं है, ये शरीयत में भी नहीं है। जब हमारे वहाँ निकाह होता है तो सबसे पहले परमिशन जो है औरतों से लिया जाता है, उसके बाद मर्द से लिया जाता है। तो आप विदाउट परमिशन आप कैसे निकाह कर सकते हैं, जबकि आप वो लड़कियां तैयार नहीं है, उनके पेरेंट्स तैयार नहीं है आपसे निकाह के लिए। आप जबरन निकाह कैसे कर सकते हैं, ऐसे तो निकाह ही नहीं होगा। तो ये कौन से इस्लाम की बात है, ये हम नहीं जानते। और दूसरी बात है, पूरा विदाउट मर्द के वो अपने घर से नहीं निकल सकती हैं। तो क्यों नहीं निकल सकती हैं, कि ऐसी क्या बंदिश है? जब वहां अरब में भी तो विदाउट मर्द औरतें निकलती हैं ना। और तीसरी बात है कि मतलब उनको पूरा पर्दा फॉलो, मतलब ऊपर से नीचे तक उनको पूरा ढकना है। तो देखिए, पर्दा अपनी नजर का और अपने दिल के अंदर का होता है। शर्म सबसे बड़ी चीज होती है। तो जब वहाँ सऊदी अरब में जब हज किया जाता है, तो वहाँ कोई बुरका ओढ़े या ना ओढ़े, और जब वहाँ पर तवाफ होता है खाना काबा के पास, तो उस टाइम में तो चेहरा खुला रहता है। तो जब वहां पर मुमानियत नहीं है, तो आप कौन से इस्लाम की बात कर रहे हैं? क्योंकि अभी तालिबान उनके साथ क्या सलूक करने वाले हैं, ये कहा कुछ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि वो वुमेन के जो है एजुकेशन के ही खिलाफ है, बच्चों के लड़कियों के एजुकेशन के ही खिलाफ है। भारत सरकार से और पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी से ये एक अपील है कि अफगानिस्तान में वुमेन राइट्स को इंश्योर करें, नंबर वन। नंबर टू, उनकी लिबर्टी और उनकी आज़ादी का हनन ना होने दें। और नंबर थ्री, वुमेन एजुकेशन को गारंटी किया जाए।